लोकतंत्र खतरे में है और भारी खतरे में है। इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं। जो राजभवन है पूरे देश में वो बीजेपी के हेड ऑफिस बन गए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल नहीं हो सकते। लोकतंत्र खतरे में है और भारी खतरे में है। कैसे इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब है इलेक्टेड। ये गवर्नर है सिलेक्टेड, तो एलजी कौन कौन बनाता है? एलजी की कभी एलजी ने कोई जनता से कोई या गवर्नर ने किसी जनता से कोई मैंडेट लिया? नहीं लिया, अपनी मर्जी का गवर्नर लगा दिया। तंग करो चुनी हुई सरकार को, अगर सरकार इनकी नहीं बनी। हमें भी बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। हमारे तो गवर्नर साहब इस बात से भी मुकर गए थे बजट सेशन में कि मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। तो हमने कहा, ये माई गवर्नमेंट क्यों नहीं कहोगे आप? आपकी गवर्नमेंट आपके सम्मन किया आपने, तो भाषण जो लिखा है वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो तो संविधान में है। इसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा कि आपको माई गवर्नमेंट कहना पड़ेगा, वरना दिस गवर्नमेंट कहने वाले थे। दिस गवर्नमेंट मतलब जो राजभवन है पूरे देश में वो बीजेपी के हेड ऑफिस बन गए हैं। जो गवर्नर हैं वो स्टार कंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। ये लोकतंत्र नहीं है, गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल नहीं हो सकते। भारत एक गुलदस्ता है, हर फूल का अपना अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। तो एक माला की तरह भारत है, हर माला का मनका जो है वो अलग अलग रंग का है। लेकिन ये चाहते हैं हमारा ही हो सब कुछ, हमारा ही हो सब कुछ, हम ही राज करें। जैसा कि अरविंद जी ने बताया, अगर जीत के नहीं आते, इलेक्शन से नहीं आते तो बाई इलेक्शन से आ जाते हैं, अगर बाई इलेक्शन से ना आए तो खरीद लेते हैं। तो देश के लिए लोकतंत्र जो है, जैसा कि अदूब जी ने कहा कि विपक्ष नहीं है हम तो देश को प्यार करने वाले लोग हैं। असल में असली जो विरोधी हैं देश के वो हैं जो देश को चला रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो हर रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं लोकतंत्र की। तो दिल्ली की, उसके बाद आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2015 में शक्तियां छीन ली, तब 67 सीट आई थी 70 में से। शक्तियां ना होने के बावजूद भी अरविंद जी ने काम किए अपने दृढ़ इरादों से, क्योंकि उड़ान जो है वो हौसलों से होती है, वो पंखों से नहीं होती। तो शक्तियां छीनने के बाद भी काम किए, 2020 में दोबारा शक्ति दी लोगों ने 63 सीट्स। अब इनको यही दिक्कत है कि हम लोग अब एमसीडी भी हार गए, अब इनको ये लगता है कि हम धीरे धीरे देश में हारना शुरू कर चुके हैं। तो अभी देश को बचाना है, अगर सभी को इकट्ठे होना पड़ेगा। हाँ, कुछ विचारक मतभेद होंगे कई पार्टियों के देश में, लेकिन देश बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर देश ही ना बचा तो फिर पार्टियां क्या करेंगी? पार्टियों का प्रधान बन के मुख्यमंत्री बन के क्या करोगे जब देश ही ना रहा? 24 में अगर ये आ गए, ये संविधान बदल देंगे, और ये जिस तरीके से चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल आने वाले दिनों में नरेंद्र पुतिन बनने वाले हैं ये। हाँ, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये कहेंगे 35 साल की मैं ही हूँ, बस 40 साल की लिए मैं ही हूँ। तो ये उन राहों पर चल रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। देश का लोकतंत्र जो है, देश के शहीदों ने अपना खून का कतरा कतरा, हमारे पुरखों ने कतरा कतरा खून का बहा के ये देश हमको लेके दिया था। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ये देश के मालिक बन के बैठ गए। इनकी कोई कुर्बानी, देश को आजाद करवाने में इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो आजादी के परवाने थे उन्होंने देश लेके दिया। और देश को ये किन हाथों में बेच रहे हैं, कैसे हर रोज बैंक बिक रहे हैं, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कैसे जो जुडिशरी को तंग किया जा रहा है। तो हम उद्धव जी के पास इसलिए आए हैं कि क्योंकि ये भी पीड़ित हैं, उस जो कुल्हाड़ी लेके बैठे हैं ये दिल्ली में, वो सब पे चलती है। तो इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होके देश को बचाने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी, जब लोकतंत्र खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, कम से कम हम जवाब देने के लायक रहेंगे।
है।